हेलो दोस्तों, शेजन किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको चिकन टिक्का कबाब कैसे बनाना है बताती हूँ। बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने एक किलो चिकन लिया है जो बोनलेस लिया है। इस तरह से इसके क्यूब्स बना दिया है। बोनलेस है ये चिकन, एक किलो लिया है मैंने। अब हम इसमें डालने के लिए, ये शिमला मिर्च है, दो शिमला मिर्च लिया है मैंने, इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। ये प्याज है, प्याज भी मैंने तीन प्याज छोटी डली लिया है, इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। टमाटर है, टमाटर भी तीन से चार लिया है, इस तरह से काट लिया है। चलिए अब हम इसमें डालने के लिए, सुबह पहले तो हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो दो स्पून लिया है मैंने। नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस्तेमाल करेंगे। ये हल्दी पाउडर है, एक टेबल स्पून लीजिए। ये कश्मीरी लाल पाउडर है, टू टेबल स्पून। ये गरम मसाला है, वन एंड हाफ टेबल स्पून। ये धनिया पाउडर है, ये भी वन एंड हाफ टेबल स्पून लीजिए। और ये दही है, एक कटोरी इतना दही लिया है मैंने। और ये नींबू है, एक नींबू, बड़ा नींबू लेकर इसका इस तरह से इसका रस निकाल लिया। और ये कोयला है, दम पे डालेंगे हम। चलिए अब हम सबसे पहले अपने चिकन को मैरिनेट कर देंगे। ये कॉर्नफ्लोर आटा है, हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आटा का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं उसमें बताना भूल गई थी, ये कॉर्नफ्लोर आटा है और ये ऑरेंज रेड कलर है, ये भी डालेंगे। थोड़ा सा चाहिए तो डाल सकते हैं या इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर देंगे। सुबह पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है। चलिए इसको हम इस तरह से मिक्स कर लें और इसमें हम दही भी ऐड कर देते हैं। इसको अच्छा मिक्स कर लीजिए। नींबू है, नींबू भी लगा देंगे, डाल देंगे इसी में। चलिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर आटा भी हम इसी में डाल देंगे ताकि इसमें थिकनेस भी आ जाएगा और कड़क हो जाएंगे अपने चिकन के पीसेस, जब आप फ्राई करेंगे तब कड़क हो जाएंगे। इसको भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए चिकन के पीसेस सारे मिक्स कर दिया है। मैरिनेट करके हम एक आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके इसी तरह रख देंगे, ढाप देंगे इसके ऊपर। ये जो है स्टील के ये स्टिक्स है, मैंने इसको मंगाया था ऑनलाइन। आप चाहे तो इसके बजाय लकड़ी के भी यूज़ कर सकते हैं, जो लकड़ी के भी मिल जाते हैं वो आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ये इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो अब हम आधे घंटा हमारा हो चुका है, मैग्नेट कर लिया था मैंने। अब देखिए ये मैं किस तरह से इसको लगाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। शिमला मिर्च है अपनी, पहले शिमला मिर्च लीजिए, इसको इस तरह से डुबोइए। फिर ये टमाटर लीजिए और हमारा जो चिकन का पीस है वो ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। टमाटर, फिर चिकन का पीस, प्याज, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर से चिकन का टेस्ट और अच्छा आएगा फ्राई करने के बाद। आप इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए। ये देखिए अपना फर्स्ट मैंने इस तरह से लगाया, आप भी इसी तरह से लगाइए। मैं सारे पीसेस इस तरह से ही लगा लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से मैंने अपने स्टिक्स तैयार कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। किस तरह से मैं अपने पैन में फ्राई करना है आपको बताऊँगी मैं। ये कॉर्नफ्लोर आटा है, हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आटा का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं उसमें बताना भूल गई थी, ये कॉर्नफ्लोर आटा है और ये ऑरेंज रेड कलर है, ये भी डालेंगे। थोड़ा सा चाहिए तो डाल सकते हैं या इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर देंगे।
सब में पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है। चलिए इसको हम इस तरह से मिक्स कर लें और इसमें हम दही भी ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नींबू है, नींबू भी लगा देंगे, डाल देंगे इसी में। चलिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर आटा भी हम इसी में डाल देंगे ताकि इसमें थिकनेस भी आ जाएगा और कड़क हो जाएंगे अपने चिकन के पीसेस, जब आप फ्राई करेंगे तब कड़क हो जाएंगे। इसको भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपने चिकन टिक्का कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसी तरह इसको घुमा घुमा के मीडियम फ्लेम पर पकाया है। आप भी इस तरह ही पकाइए। चलिए अब हम सर्विंग बाउल में प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए मैंने निकाल दिया। ये देखिए मैंने कोयला गरम कर दिया है, इस पर मैं इस तरह से इसको रख रही हूँ। अब थोड़ा सा इस पर मैं घी डाल दूँगी, अच्छे से महकारी इसमें धुआं उठ रहा है, इसको हम इस तरह इसको थाप देंगे ताकि अच्छे से इसमें सारा धुआं का पूरा उससे अपने और भी अच्छे लगेंगे। ये मैंने ढाप दिया है, इसकी धुआं से अपने जो चिकन टिक्का कबाब है उसमें अच्छे से स्मेल आ जाएगी। इस तरह से आप इस्तेमाल करिए, देखिए अच्छा रहेगा। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए अच्छी सी स्मेल आ रही है, सारा किचन इसकी स्मेल से महक रहा। अब ये इसको निकाल दूँगी मैं। चलो ये थोड़ा सा मैंने गार्निश कर लिया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गया। इस पर हम इस तरह से अपने स्टिक्स को रख देंगे। ये बहुत अच्छी और हेल्दी डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। देख सकते हैं आप, मैंने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितने जल्दी से और अच्छे से आराम से बना लिया है। चिकन टिक्का कबाब बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और इसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई करिए प्लीज़। और अगर मेरी डिश आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।